हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पे। आज हम क्लास 12 के देख रहे हैं मैं जो 3 मार्क्स के पूछता है यहाँ से। प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए, मतलब हमको समाकलन ज्ञात करना है। दिया है मेरा i बराबर 2x बटन 1 प्लस x स्क्वायर dx। इसको हमको इंटीग्रेशन करना है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। जो दिया है पहले उसको हम लिख लेंगे एक बार। तो दिया है मेरा 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx है, हम लिख लिया उतना। अब देखिए यहां से हम लेट कर देंगे, लेट मान दिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t मान लिए, ठीक। अब देखिए 1 का यहां पर डिफरेंशिएशन ही हो जाता है, तो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर के करेंगे तो 2x हो जाता है, और इसके साथ dx हो जाएगा और dt। अब यहां से हम dx निकाल लेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dt बटा में 2x हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से चल देंगे, मेरा i बराबर दिया है 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा दिया था, लिख लेंगे और dx। अब देखिए 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर हम मान लिया t, तो यहां t हो जाएगा, ठीक। अब dx, dx से जगह पर मेरा इतना है dt by 2x। अब देखिए 2x बटा में t और dt by 2x है, तो यहां 2x से 2x मेरा कट जाएगा, तो यहां बचेगा 1 बटा में t और dt बचेगा। अब आप लोग इंटीग्रेशन जानते होंगे, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन यह होता है जी। तो यहां हो जाएगा log mod t प्लस c, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, और t के जगह पर हम t के मान रख देंगे, तो log mod t के जगह पर मेरा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख दिया है, इसको भी इंटीग्रेशन ही करना है, log x स्क्वायर बाई एक्स और dx। तो इसको हम सॉल्व ऐसे करेंगे, इसको हम लेट मान लेंगे एक बार, जो दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे। मेरा दिया है i इक्वल टू log x एक्स स्क्वायर बाई एक्स और dx, ये मेरा दिया हम पहले लिख लेंगे। अब देखिए यहां से हम लेट मान लेंगे, log x बराबर t मान लिए, ठीक। अब यहां पर मेरा डिफरेंशिएशन हो जाता है जी, तो नोट में लिख लीजिए कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई एक्स और इसके साथ dx बराबर dt हो जाएगा। अब यहां से हम dx निकालेंगे तो dx बराबर dt x dt हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब i से चलेंगे इंटीग्रेशन से, मेरा है log x, तो लिख लेंगे log x एक्स वाई बटा x और dx है, जो था पहले हम लिख लिए। अब देखिए log x के जगह पर हमने माना है t, तो हमें t स्क्वायर हो जाएगा बटा में x हो जाएगा, और dx के जगह पर हम निकालना है x इंटू dt, ठीक। अब देखिए a वाला x से x मेरा कट जाएगा, तो मेरा बचेगा t स्क्वायर और dt, ठीक। अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन जानते होंगे कि पावर में बढ़ा दिया जाता है, तो t के पावर में 2 प्लस 1 हो जाएगा और बटा में 2 प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा। अब देखिए तो t के पावर 3 हो जाएगा बटा में 3 और प्लस c हो जाएगा। अब हम t के मान रख देंगे, t के मान log x है, तो log x के पावर में 3 बटा में 3 प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो 3 मार्क्स के अभी है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है, आई बराबर मेरा दिया है 1 बटा में x प्लस x log x,
डीएक्स, इसको हमको इंटीग्रेशन करना है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। जो पहले दिया उसको हम पहले लिख लेंगे। मेरा दिया है I बराबर वन बटा में x प्लस एक्स लॉग एक्स और dx, ये मेरा दिया है। अब देखिए इसको हम ऐसे कर देंगे, यहां से x हम कॉमन ले लेंगे, तो वन बटा में यहां से x कॉमन ले लिए तो वन प्लस लॉग एक्स मेरा बचेगा और dx, ठीक। अब देखिए यहां से हम लेट कर देंगे, लेट कर दिए, मान लिए वन प्लस लॉग एक्स बराबर टी मान लिए, ठीक। और यहां पर डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, तो जीरो प्लस और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स, तो यहां वन बाई एक्स हो जाएगा और इसके साथ डी एक्स और यहां पर डी टी हो जाएगा। अब देखिए तो वन बाई एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। अगर हम dx निकाले तो dx बराबर हो जाएगा x into dt, यहां ए वाला x यहां पर चल जाएगा एक। अब देखिए अब चल देंगे i से, i बराबर मेरा है यहां वन बटा में x into वन प्लस log x, यही ना मेरा है जी, और dx। अब देखिए वन बटा में एक्स हो जाएगा और वन प्लस लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स की जगह पर टी है, हम यहां टी लिख देंगे और डीएक्स, डीएक्स की जगह पर है एक्स इंटू डी टी, तो एक्स इंटू डी टी लिख देंगे, ठीक। अब देखिए ए वाला एक्स एक्स कट जाएगा तो मेरा बचेगा वन बटा में टी और डी टी बचेगा, ठीक। अब डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स का लॉग मोड एक्स प्लस सी, ये मेरा डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है जी, सॉरी इंटीग्रेशन होता है। अब देखिए वन बाई टी और डी टी है तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड टी प्लस सी। अब टी के मान मेरा है, टी के मान रख देंगे मेरा आंसर हो जाएगा, तो लॉग टी के मान मेरा है, यहां देखिए वन प्लस लॉग एक्स, तो वन प्लस log x प्लस सी, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, जो क्वेश्चन नंबर फोर लिख दिया है साइन x इंटू साइन इंटू कॉस x और dx, इसको हमको स्थानांतरण करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। जो पहले दिया उसको हम एक बार लिख लेंगे जी, मेरा दिया है i बराबर साइन x इंटू साइन और कोस एक्स दिया है और डी एक्स, ठीक। अब देखिए कोस का डिफरेंशिएशन होता है साइन, यहां पर मिल रहा है तो हम इसको कोस एक्स को लेट कर देंगे, यहां से लेट कर दिए कोस एक्स बराबर टी मान लिए। अब आप लोग के बार बार बता रहे हैं कि यहां पर डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, इसके साथ dx हो जाएगा और dt, ठीक। अगर हम dx को निकाले तो dx बराबर हो जाएगा माइनस dt बटा में साइन x, ये वाला नीचे आ जाता है, ये साइन नीचे आ जाएगा, ठीक। अब i से चल देंगे, मेरा i में मैंने दिया है साइन x इंटू साइन इंटू कॉस x और dx, मेरा यही ना जी लिख लिए। अब देखिए मेरा साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख देंगे यहां पर साइन, और कोस एक्स के जगह पर हम क्या लिखेंगे जी, कोस एक्स को मान लिया टी तो यहां टी हो जाएगा और यहां से डीएक्स हो जाएगा, डीएक्स के जगह पर हम निकाल दिया, यहां देखिए डीएक्स के जगह पर निकाल दिए हैं माइनस डी टी बटा में साइन एक्स, ठीक। अब देखिए ए साइन एक्स से ए साइन एक्स कट जाएगा, यहां देखिए ये मेरा साइन एक्स था, यहां पर भी साइन एक्स था, तो ये साइन एक्स कट जाएगा। अब देखिए मेरा आ गया साइन टी और माइनस डी टी, मेरा यही बच गया। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो यहां पर माइनस हम बाहर निकाल दिए तो साइन टी और डी टी बच जाएगा,
अब देखिए आप लोग जानते होंगे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक। अब यहां देखिए माइनस यहां पहले से था, और देखिए माइनस साइन का होता है इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस में, तो माइनस कोस एक्स हो जाएगा, और इधर है डी टी, तो डी टी लिख देंगे। अब देखिए माइनस यहां पर माइनस दोनों बाहर निकाल दिए, अब बच जाएगा मेरा कोस एक्स, कोस यहां टी हो जाएगा सर, टी हो जाएगा की, और यहां डी टी हो जाएगा। अब देखिए माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस ना हो जाएगा, जी यहां प्लस हो जाएगा, प्लस मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब कोस यहां हो जाएगा तो कोस t प्लस ही हो जाएगा। अब देखिए t का मान है, t का मान हम निकाल दिया है cos x, तो यहां cos रख देंगे, cos इंटू cos x प्लस ही, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा जी, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, ठीक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, और यहां दिया है डी एक्स, हमको इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, जी सॉल्व करेंगे, जो दिया पहले उसको एक बार हम लिख लेंगे। मेरा दिया है आई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, ए मैंने दिया था, लिख लेंगे। अब देखिए यहां पर हम लेग मान लेंगे, अगर हम साइन को मानते हैं साइन एक्स को पूरा को, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, यहां कॉस होता है तो मिल रहा है, तो हम यहां लेग कर देंगे साइन ए एक्स प्लस बी बराबर मान लिए हम टी, ठीक। अब यहां पर डिफरेंशिएशन होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, और एक्स में जब पूरा हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, इसके साथ डी एक्स हो जाएगा और डी टी, ठीक। अब देखिए अगर हम डी एक्स निकालेंगे तो डी एक्स निकालना है तो डी टी ई इसके बाटा में आ जाता है, ठीक। अब देखिए हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी, ठीक। अब हम चल देंगे आई से, मेरा दिया था आई बराबर साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी और डी एक्स, यह मेरा दिया है, लिख लेंगे। अब देखिए साइन एक्स प्लस बी इतना कॉम माने आज टी, यहां देखिए साइन एक्स प्लस बी को माने है टी, हम यहां लिखेंगे टी, ठीक। अब देखिए कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा, अब देखिए डीएक्स का मान हम निकाल दिए हैं, यहां देखिए डीएक्स का मान निकाल दिए हैं, डी टी बाई कॉस एक्स प्लस बी है, ठीक। अब देखिए यहां पर भी कॉस एक्स प्लस बी, यहां पर भी कॉस एक्स प्लस बी, तो कट जाएगा मेरा बचेगा टी, यहां देखिए टी और डी टी, यही मेरा बचेगा। और आप लोग जानते हैं एक पावर और बढ़ा करके कर दिया जाता है, तो यहां पर देखिए टी के पावर वन प्लस वन हो जाएगा, वन प्लस वन बटा में वन प्लस वन, और यहां आ जाएगा प्लस सी डी टी का। तो अब देखिए टी के पावर में हो जाएगा टू बटा में टू और प्लस सी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए टी का मान हमारा है साइन एक्स प्लस बी, तो हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस बी के पावर में टू बटा में टू और प्लस सी, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा जी, ठीक।